नमस्ते दोस्तों, ऑल्डिक वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा आज हम कल कर चुके, फिर दिन में करेंगे। हम जैसे ही YouTube खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, तो हमें सुबह सुबह ही है जो कोई दिल को सुकून देने वाली कोई समाचार नहीं मिलते। खैर, ये जो युद्ध चल रहा है और चल रहा है, ये तो नियति के हाथों में, कौन हारता है कौन जीतता है इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने यहाँ भी परमाणु युद्ध से कम नहीं है जो साधु संत कथावाचक या संत मुनि आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर गोबर उछालते हैं। और ऐसा क्यों होता है? कथावाचक है वो भी बढ़िया है, और संत है वो भी बढ़िया है, फिर इनके आपस में कोई लेन देन का झगड़ा भी नहीं। एक बात का बतड़ंग बनाना, किसी ने कह दिया कि भी राधे भगवान कृष्ण की लवर है, कह दिया, उसने माफी मांग ली, उसके गुनाह माफ हो गए, किस किस चीज का मुंह पकड़ोगे आप? ये कुछ कबीरपंथी हैं जो ये कहते हैं कि श्री राम मांस खाते थे, उसकी गर्दन जाके क्यों नहीं पकड़ते? अरे, एक संत की दूसरा संत तो गर्दन पकड़ लेता है, उनकी क्यों नहीं पकड़ते? वो कहते हैं कि भगवान हुए ही नहीं, हमारे भगवान है तो कबीरदास जी है। तो जब वे प्रदीप मिश्रा जी ने प्रेमानंद जी महाराज से क्षमा मांग ली, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। जब आदमी क्षमा मांग लेता है तो उसके सारे गुनाह, एक दो गुनाहों को छोड़ के, जैसे कोई किसी का बध कर दिया हो और हो, सारे गुनाहों को छोड़ करके उसे माफी देनी चाहिए और तहे दिल से देनी चाहिए। अगर फिर भी बाद में माफी मांगने के बाद हमारे सामने उन्होंने नीचे सीढ़ियों के ऊपर झुक करके माफी मांगी, फिर ये विवाद क्यों होता है? अगर ये विवाद वापस शास्त्री जी की तरफ, प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से है, तो उनको समझ लेना चाहिए। और प्रेमानंद जी की तरफ से है तो हम उनसे प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज, आप बड़े हैं, इसको छोड़िए। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरह के ये छींटाकसी करना, ये सनातन धर्म की जड़ें खोदने के बराबर है। इससे हमारा धर्म बढ़ेगा नहीं, घटेगा। उनको समझ आनी चाहिए कि एक आम नागरिक आप लोगों को समझा रहा है जो कुछ भी नहीं जानता। इसके अलावा कुछ एक वीडियो देखा हमने, उसके अंदर एक संत, एक कावड़िया जो है वो फूलों की माला बना रहा था और मुँह से ऐसा लगा करके वो सुई धागा पहना रहा था। तो वो कहता है कि इसको शर्म नहीं आती, ये थूक से लगा लगा के भगवान भोलेनाथ को माला पहनाएगा। अरे, जब वो देख ही रहा है, अरे वो जानता ही नहीं है बेचारा, तो तुम उसको अगर कह दो कि बेटा ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए, तो कौन से छोटे बाप के हो जाते। लेकिन उसको तो वीडियो बनाना है। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है, नोट गिनते हुए बलात हाथ है जो मुंह के अंदर उंगली चली जाती है, चाहे आदमी कितना भी कंट्रोल रखे, क्योंकि शुरू से आदत पड़ रही है। तो क्या किया जाए, इस आदत में सुधार ही किया जाए? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर, राधा कौन थी, फलाना कौन था, तुलसीदास जी ने ये चौपाई गलत लिखी, ये सही लिखी, तो तुम तुलसीदास जी को चैलेंज कर रहे हो क्या? कोई भी हो, तुम उनसे बड़े हो गए क्या? नदियां पार करके वो ही गए अपनी पत्नी से मिलने ज्ञान प्राप्त के लिए। तुलसीदास जी की लिखी हुई हनुमान चालीसा हो या रामायण हो, उसमें गलती काटने के लिए 7 बार सोचना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, निकालो गलतियां, रामायण भी दूसरी लिख दो, तुलसी कृत हटाओ दूसरी लिख दो। हमारे जो भाई है मुसलमान, उनमें तो कोई इस तरह की बात होती नहीं है। हिंदुओं में ज्यादा देवी देवता हो गए,
ज्यादा ग्रंथ हो गए, ज्यादा पुराण हो गए, तो उनको खंगालते रहते हैं, कोई ना कोई नुक्ताची निकालते रहते हैं और फिर आके सभा में अपना वो भड़ास निकाल देते हैं। ये उचित नहीं। जय सियाराम।